अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? लेकिन ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ एक बहुत ही अच्छा, उसे फिशल भी कह सकते हैं आप, ग्लास स्किन हो जाती है इससे आपकी। ये मैंने लिया है बेसन और हल्दी, इसमें डालूँगी मैं आधा चम्मच हनी, और फिर हम इसमें डालेंगे एक विटामिन सी के कैप्सूल। ये एक डाल दिया है विटामिन सी के कैप्सूल। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच दही, इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह। हमारा पेस्ट तैयार। अब मैं इसे करती हूँ फेस पे अप्लाई। अब इसे करते हैं फेस पे अप्लाई ब्रश की मदद से। ये इस तरह से करके आपने पूरे फेस पे लगा लेना। ये मैंने लगा लिया पूरे फेस पे। ये मैं डेली लगाती हूँ। डेली लगाने से ये है कि आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन हो जाती है। ये लगाने के बाद आपने इसे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, जब खुश हो जाए। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से पानी का मसाज करेंगे, फिर फेस को वॉश करेंगे। और फिर बता रही हूँ, उसमें मैंने हनी डाला है आधा चम्मच, एक विटामिन सी का कैप्सूल, एक चम्मच दही, और ये हल्दी और बेसन, ये इन दोनों को मिक्स किया। सारी चीज़ें मिक्स करके फिर अप्लाई किए फेस। ये अब हो गया ड्राई। इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है आपने, पानी लगा के साथ साथ। उसके बाद आप फेस को धो लें या साफ कर लें। ये मैं साफ कर रही हूँ। आपको इसका रिजल्ट एक दफा ही लगाने से पता चलेगा। आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन हो जाती है और इतनी शाइन आ जाती है आपकी स्किन पे। ये आप साफ कर लें इससे। मैंने ये कर लिया है फेस को वॉश। आप डेली लगाएं इसको, आपको फर्स्ट 2 डेज़ में ही इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है, क्योंकि सारी नेचुरल चीज़ें, हल्दी है, बेसन है, दही है और हनी है। तो हनी तो बहुत अच्छा है स्किन के लिए। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा ये छोटा सा फेशियल, जो कि आप घर पर ही कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।